नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है चंदन पुदार और बात करेंगे आज की टॉप बिजनेस न्यूज़ की आज के बिजनेस न्यूज़ में बेसिकली मैं दो सेक्टर्स का एनालिसिस आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं एक एविएशन सेक्टर का और एक पावर सेक्टर का दोनों ही सेक्टर्स इस समय बड़े हॉट सेक्टर हो चुके हैं कुछ ऐसी बातें इनके अंदर निकल के आ रही है। अगर हम बात करें एविएशन सेक्टर की तो हमें अभी इसमें रिसेंट न्यूज़ पता है कि टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को अट्ठारह करोड़ रुपए के बिट में जो है टेक ओवर कर लिया अब इसके बाद पूरा का पूरा एविएशन सेक्टर का सिनेरियो क्या है जरा इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं देखिए अब अगर देखा जाए तो टाटा ग्रुप के पास ऑल टुगेदर तीन एयरलाइंस हैं जो आ गई हैं एक एयर इंडिया एक एयर एशिया और इसके बाद आपका आता है विस्टारा अब ये तीन एयरलाइंस ने मिला करके लगभग 40,500 करोड़ रुपए का जो है बिजनेस किया था और ये मैं बात कर रहा करूं फाइनेंशियल ईयर 20 की ठीक है मतलब प्री कोविड की और उस समय जो इंडस्ट्री की टोटल सेल्स थी वो थी 95,700 करोड़ रुपीज़ की इंडिगो ने उस साल रिपोर्ट किए थे पैंतीस करोड़ रुपये का रेवेन्यू तो अगर मैं आप बात करूँ कि एयर इंडिया एयर एशिया और विस्टारा क्योंकि तीनों जो पेरेंट कंपनी है वो एक ही है टाटा ग्रुप तो मैं इसको कंबाइनली टाटा ग्रुप एयरलाइंस बोलूंगा तो टाटा ग्रुप एयरलाइंस और इंडिगो अगर हम दोनों को क्लब कर दें का का तो अस्सी परसेंट तो से ज्यादा रेवेन्यू जो है एविएशन सेक्टर का वो सिर्फ ब्रॉडली दो ग्रुप्स के पास जाएगा पहला होगा टाटा ग्रुप और सेकंड होगा इंडिगो इसके बाद छोटे मोटे हैं, जैसे स्पाइस हो गया गो एयर हो गया अब देखिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये हमने टेलीकॉम सेक्टर में भी देखा है कि वहाँ पर राज कौन कर रहा है जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया वोडाफोन आइडिया की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी तो उसके बाद गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा उसको कुछ रिलीफ पैकेजेस वगैरह जो है अवेलेबल करवाने पड़े अगर आप बात करें एविएशन सेक्टर तो उससे भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है किससे टेलीकॉम सेक्टर से वहाँ पर अगर हम बात करें तो जियो और एयरटेल का जो है मिला करके सिक्सटी मार्केट शेयर है रेस्ट ऑफ द शेयर जो है दूसरी फॉर्म्स के पास है लेकिन यहाँ पर एविएशन सेक्टर की बात करें तो दो फॉर्म्स का मिलाकर एसेंट से ज्यादा इंडस्ट्री रेवेन्यू आ जाता है अब एविएशन सेक्टर की अगर थोड़ी सी और अपडेट्स में तो एयरलाइन जिसमें राकेश झुंझुनवाला दो सौ करोड़ से ज्यादा की वो भी अपने ऑपरेशन जो है दो से स्टार्ट कर पाएगी इसके लिए उसे गवर्नमेंट के अप्रूवल मिल गए हैं इस अकाशा एयरलाइंस के अंदर बेसिकली विनय दुबे जो कि फॉर्मर सीओ हैं जेट एयरवेज के और आदित्य घोष जो कि फॉर्मर सीओ रहे हैं इंडिगो के वो इस वेंचर के अंदर एसोसिएटेड हैं और राकेश झुंझुनवाला की इसमें इन्वेस्टमेंट है 40 परसेंट इन्वेस्टमेंट राखे वाला करने वाले हैं जेट एयरवेज भी अपने जो कहीं ना कहीं ऑपरेशन है वो एक्सपेक्टेड है कि दिल्ली मुंबई की फर्स्ट फ्लाइट उनकी फाइनेंशियल ईयर दो के क्वार्टर वन से जो है उड़ना शुरू होगी ऐसा एक्सपेक्टेड निकल के आ रहा है कि बाईस तेईस के अंदर वो शुरू कर देंगे लेकिन अब ऑल टुगेदर समझिए कि एविएशन सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता जा रहा है जब मैं बोलता हूँ ना कॉन्सेंट्रेटेड इसका मतलब आ, कि आप वो समझिए कि टूवर्ड्स मोनोपोली वो मूव कर रहा है बहुत लिमिटेड हैंड्स के अंदर जो है वो उसका बिजनेस जा रहा है इसको समझने के लिए एक तरीका और भी है दैट इज द एच एच आई इंडेक्स दैट इज है फिंडल हिशमैन इंडेक्स इसको आप समझिए ये इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस को मेज़र करने के लिए एक इंडेक्स बनाया गया है जिसकी वैल्यू जो है ज़ीरो से टेन थाउजेंड के बीच में हो सकती है माना जाता है कि अगर पंद्रह सौ से कम है तो इंडस्ट्री जो है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है एच एच आई पंद्रह सौ से अगर पच्चीस सौ है तो मॉडरेट और पच्चीस सौ से ऊपर है तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब अगर ये जीरो होता है एच एच आई इंडेक्स तो माना जाता है कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है इंटेंस कॉम्पिटिशन है ठीक है कुछ सेलर्स के निकल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और टेन थाउजेंड है तो माना जाता है मोनोपोली की सिचुएशन है और बीच में रेंजेस डिफाइन की हुई है कि पंद्रह सौ से नीचे हम कॉम्पिटिव मान लेंगे पंद्रह सौ से पच्चीस सौ के बीच में मॉडरेट मान लेंगे पच्चीस सौ से ऊपर है तो मान लेंगे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब कुछ लोगों के हाथ में ही सारा का सारा बिजनेस है एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के बाद एच एच आई स्कोर इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का जो है वो लगभग 730 पॉइंट बढ़ जाएगा वो ऑलरेडी 2775 था कि क्यों था 2775 क्योंकि पहले भी हमारे हिंदुस्तान के एविएशन सेक्टर के अंदर बहुत फ्यू फॉर्म्स थी और अब माना जा रहा है कि जब एयर इंडिया भी जो है टाटा ग्रुप पे चली गई तो अब ये बढ़ के पैंतीस हो जाएगा थ्री हो जाएगा मतलब और ज्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ये हो जाएगा एविएशन सेक्टर इंडिया का सेकेंड मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट होने वाला है उम्मीद करो रहा कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट आप समझ रहे हैं इसका मतलब लिमिटेड हैंड्स के अंदर जब बिजनेस चला जाता है बहुत कम आ, उसके अंदर व्यापारी रह जाते हैं देसी भाषा के अंदर समझिए तो आफ्टर पेंट इंडस्ट्री पेंट इंडस्ट्री का जो एच चा स्कोर है हिंदुस्तान में दैट इज 4061 एविएशन सेक्टर जो है सेकंड मोस्ट हो जाएगा इसके बाद जो एचएचआई स्कोर्स के अंदर रिलेटिवली हाई लेवल्स रखते हैं 2500 से ऊपर रखते हैं वो इंडस्ट्रीज कौन-कौन सी आती हैं दैट इज द टायर आयरन स्टील टेलीकॉम सेक्टर लेकिन फर्स्ट नंबर पे है पेंट सेकंड पे एविएशन तो आप ये मत समझिए कि टेलीकॉम सेक्टर में ही ऐसा हो रहा है ऐसे दूसरी इंडस्ट्रीज भी हैं ये एच एच आई इंडेक्स का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो इसके ऊपर काफ़ी रिपोर्ट्स आती रहती हैं तो उम्मीद करूंगा कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा इसके बाद नेक्स्ट न्यूज आई पावर सेक्टर पावर सेक्टर इस समय बड़ी अजीब और गरीब सिचुएशन को फेस कर रहा है अगर हम बात करें तो एक तरफ तो बात चल रही है कि सोलर प्लांट्स यहाँ पर लगाए जाएंगे ज्यादा से ज़्यादा हम ग्लोबल प्लेयर बनेंगे अडानी भी लगे हुए हैं रिलायंस भी लगा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें तो अभी इन्होंने आर सोलर होल्डिंग जो कि ग्लोबल प्लेयर मानी जाती है सोलर सेल्स के अंदर जो कि एक बड़ा की कंपोनेंट आप कहिए अगर आपको सोलर पावर जनरेशन करना है और उसके बाद एक स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर इन दो कंपनीज को एक्वायर किया स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर बेसिकली ईपीसी एंड ओएम ओ एंड एम सर्विसेज इन रिन्यूएबल्स ये क्या है ईपीसी वो है बेसिकली इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ओ एम हुआ ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट तो जितने भी रिन्यूएबल्स से रिलेटेड ई पी सी एंड ओ एन एम होते हैं इसके लिए बहुत बड़ी कंपनी है स्टर्लिंग एंड विल्सन तो दोनों को जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक्वायर किया है और माना जा रहा है कि 2025 तक जो है वो अपना 4 गीगावाट का प्रोडक्शन का टारगेट जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज अचीव कर पाएगी जिसका टोटल टारगेट 10 गीगावाट का है रिपोर्ट्स के हिसाब से जो कि कोटेक इंस्टीट्यूशनल ने निकाली है कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड जो है वो 3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगी टेन गीगा की कैपेसिटी के लिए और लगभग जो है उसका जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ई बी आई टी डी ए बोल देते हैं वो 46 सिक्स बिलियन डॉलर के आसपास होगा तो बहुत ही ज़्यादा देखा जाए ना आ, आप कहिए कि अट्रैक्टिव सेक्टर निकल के आ रहा है कि जहाँ तीन बिलियन डॉलर आप इन्वेस्ट करते हैं फोर्स्टी सिक्स बिलियन डॉलर की इतनी अर्निंग्स आपको निकल के आ रही है हर कोई चाहेगा इन्वेस्टमेंट करना लेकिन अगर प्रेजेंट सिचुएशन की हालत देखें इलेक्ट्रिसिटी की तो अमित शाह जो कि देश के हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी मीटिंग कर रही है कोल क्राइसिस के ऊपर माना जा रहा है गुजरात एंड महाराष्ट्र जो कि सबसे बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वहाँ पर जो है एनर्जी क्रंच आ सकता है क्योंकि जो डोमेस्टिक सप्लाई है कोल की वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है और इम्पोर्टेड कोल बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से उसको कोई यूज नहीं कर रहा है पूरा का पूरा सिनारियो क्या अगर हम इसको समझें तो एक कोर मैनेजमेंट कमेटी जो है टीम बनाई गई कोर मैनेजमेंट टीम जिसको सी बोल सकते हैं आप बेसिकली कोल्ड मिनिस्ट्री ने इसको बनाया तो उसने चार रीजनस बताए कि कोल

इंपोर्टेड कोल को यूज करते थे वो भी डोमेस्टिक कोल के ऊपर शिफ्ट हो गए क्योंकि इंपोर्टेड कोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया और चौथा माना जा रहा है कि जो कोल स्टॉक्स का एक सफिशियंट स्टॉक रखना चाहिए था मानसून से पहले वो जो है कहीं ना कहीं हम रखने में फेल रहे जिसकी वजह से कोल की बहुत शॉर्टेज हो गई है और कुछ समय के लिए पावर क्राइसिस जो है झेलना पड़ सकता है तो एक प्रेजेंट सिचुएशन ये भी हो रही है अगर आप देखें क्राइसिस भी आ रहा है उसका फ्यूचर सॉल्यूशन भी आ रहा है तो एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सेक्टर बन जाता है और आप देखेंगे इस समय पावर सेक्टर का कोई भी शेयर उठा के देख ले धड़ाम देना उसमें तेज़ी चल रही है आ, क्या सर तेज़ी बनी रहेगी जी हाँ पावर सेक्टर के अंदर अच्छी तेजी बनी रहेगी लेकिन थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन देखने की जरूरत है पावर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और मेरा तो खैर रिलायंस पावर एक हमेशा फेवरेट शेयर है लोग पूछते हैं भैया ऐसा क्यों है देखिए मेरा जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया होता है ना मैं कभी भी असेट लैबिलिटीज को देखना उतना पसंद नहीं करता मैं बिजनेस के फ्यूचर स्कोप को देखना ज्यादा पसंद करता हूँ रिलायंस uh, जो एडीएजी ग्रुप है उसने बड़ा क्लियर अनाउंसमेंट कर दिया अब सारी चीजों को छोड़कर व होल्स होल फोकस अपना एनर्जी सेक्टर के ऊपर डालेगा फंड्स उसके पास आ रहे हैं जैपनीज बैंक उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और जिस हिसाब से वो आगे आने वाले टाइम में एक्सपेंशन करेंगे देखिए उनकी असट लाइबिलिटी की क्या पोजिशन है इसी वजह से वो शेयर इतना नीचे गिरा पड़ा बट अगर आगे फ्यूचर सिनारियज को देखा जाए और जिस तरीके से न्यूज निकल के आ रही है तो मेरे हिसाब से उस शेयर के अंदर जो है आने वाले समय में एक बार थोड़ा सेंटीमेंट अच्छा होता है तो काफी अच्छी रिकवरी निकलेगी बाकी दूसरे शेयर्स भी आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस एविएशन सेक्टर का और पावर सेक्टर का उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर बताएगा पीपीटी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं जय श्री शाह